हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं देवराज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नीट पीवाईक्यू 2023 की सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल दिव्या कैंप पर। तो मैं जैसा कि आप जानते हैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूं, लगातार लाइव क्लासेस में करा रहा हूं। ठीक है, आज जो है आपकी स्ट्रीमिंग क्लासेस है। ठीक, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लाइव ही करनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि अभी क्योंकि हमारे पास उतना ऑडियंस भी नहीं है, तो इसलिए स्ट्रीमिंग का जो है मैंने फैसला लिया था। अगर आपको लगता है कि नहीं लाइव ही हो तब आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा बच्चे स्पीडली भी देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। ये जो आज आपका शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 2021 PYQs, ठीक, और वो भी किसका, नीट NE, ठीक है, और ET। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रिप्रेजेंट है, शुरुआत करते हैं इसके। इसमें लिखा है, ठीक है, अ डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मर इथेन इज, कौन सा होगा इसमें जो सबसे क्या हो, देखो ध्यान से, लीस्ट स्टेबल क्या हो, लीस्ट स्टेबल हो। तो हमें यहां पर जो है मालूम है कि जो हमारा इथेन होता है इसकी हमारी कितनी फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है। पहली आपकी क्या है, एलिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड जो भी बोलते हो आप, और स्टेजर्ड। इन दो फॉर्म में हम जानते हैं, एक में जो एंगल होता है वो हमारा स्टेजर्ड में 60 डिग्री होता है, और जो एक्लिप्स्ड है उसमें 0 डिग्री होता है, और यही हमारी लीस्ट स्टेबल होती है। चलिए आइए, ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे कौन सा है, 4 है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर कैसी है। ये रही वो आपकी स्ट्रक्चर, एक्लिप्स्ड है ना, डाईहेड्रल एंगल के साथ जो कि 0 है, देखी हुई है फर्स्ट ईयर की कहानी है, स्टेजर्ड जो कि डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री के साथ में है। तो दोनों का याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगले साल भी आपसे ऐसे ही पूछे, क्वेश्चन तो पूछता ही है लेकिन थोड़ा बहुत इधर को मोल्ड जरूर करता है कि देखते हैं चेक करके कि क्या कहानी है और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नंबर टू में आपसे पूछा है इसने, देखो क्लियरली, कि नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स द रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम, कि जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला पढ़ लेते हैं, नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही बात है और ये आपकी नोबल गैस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात गलत है, बिकॉज नोबल गैस हैव वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज या वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, तो उनके बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई नहीं आएंगे, क्या होने चाहिए, लो। तो अभी तक हमारे अकॉर्डिंग ये बात गलत निकली, यानी ऑप्शन टू सही निकला। नोबल गैस हैव वीक डिस्पर्जन फोर्सेस अभी बोल रहा था, ठीक है, नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है, आपको मालूम है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था इसमें, ठीक है, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान से देख लीजिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 3 ये है, ठीक है, 3 में पूछा गया है आपसे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक हमारी एल्कीन है, यहां पर हमें एक एल्कीन दिया है, यहां पर HBr दिया है, यहां उसने परोक्साइड दिया है, और परोक्साइड लिखा नहीं है, लिखा एग्जाम्पल दिया है। तो हमने पढ़ा था कि परोक्साइड के प्रेजेंस में जब भी आपका HBr से एडिशन रिएक्शन होती है तो वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। चलिए ऑप्शन तो हमने ढूंढ लिया है, तो थोड़ा सा क्या करें, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे लें, ठीक है, कि सर हमें थोड़ा सा इसके स्टेप मैकेनिज्म भी बता दीजिए। चलिए मैकेनिज्म भी इसका बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि
कि जितनी भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, उसमें जहां जहां जॉन से भी पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम देने की कोशिश जरूर करेंगे। ये हमारा परोक्साइड है, यहाँ पर आपका होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है, होमोलाइसिस होता है और बनता है आपका क्या, बनता है आपका फ्री रेडिकल, किसका, फिनाइल का, और CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ये जो आपका फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हुआ है ये HBr से फिर से होमोलाइसिस होता है और यहाँ पर बनाता है आपका Br फ्री रेडिकल और ये आपकी बन जाती है जी बेंजीन। ये जो Br फ्री रेडिकल बना है, ध्यान से देखिए, ये जो Br फ्री रेडिकल बना है ये कंबाइन होता है आपका यहाँ पर और फ्री रेडिकल यहां से क्या हो जाता है आपका रेडी हो जाता है, जो कि एक आपकी क्या करता है मोर स्टेबिलिटी शो करता है, जो जो कि लिखा है कि मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। हमने पढ़ी भी है बात कि सेकेंडरी रेडिकल आपके क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं और टर्शरी सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए फिर से आपका HBr वापस रिएक्ट करता है, ठीक है, होमोलाइसिस के थ्रू ही, आप समझ ही गए होंगे। ये जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहां पर आपका कौन आता है H, ये रहा, और जो आपका क्या था Br वो फ्री रेडिकल में क्या हो जाता है वापस आउट हो जाता है और यहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट भी यही बनता है। तीन स्टेप की रिएक्शन है, तीन और चार कितने भी स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो चार में हुई हुई है, आप इसको तीन में भी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया न्यूमेरिकल है, पढ़ने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है लेकिन करने में बिल्कुल उतना ही चिंदी सा लगेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने आपसे पूछी है कि ठीक है क्या कहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट करता है, आपका कर रहा है फ्रिक्वेंसी इतने पर, कहा है वेव लेंथ लैम्डा पूछा, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रिक्वेंसी, एफ लिख दो, न्यू लिख दो, गामा कई तरह से भैया रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका फॉर्मेट हो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको क्या कर लीजिए रिप्रेजेंट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸, और हमको फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन किलो हर्ट्स में दी है, कोई बात नहीं, किलो हर्ट्स को तो हम हर्ट्स में बदल ही देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका 219.3 मीटर आ जाएगा। देखो कितना छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, मुझे लगता है कि आपका NTA भी मालूम, मतलब बच्चों पे थोड़ा तरस खाता है कि यार बायो के बच्चे हैं ज्यादा कैलकुलेशन ना दी जाए, और किस याद अगर भैया कोई जरा थोड़ा हैवी टीचर बैठ जाता होगा बनाने के लिए तो वो ना भी करता हो कि चलो करो भैया कॉम्पिटिशन देने आए हैं, हर तरह के देखो बच्चे हैं और उसी तरह हर तरह का टीचर है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं कुछ ईजी भी बनते हैं, ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से भी भाई साहब इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, पढ़ लेते हैं। एक्टिनॉइड, अच्छा आपका DF ब्लॉक से है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू द देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यस, जो आपका क्या है लेंथेनॉइड को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनॉइड से ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट कहा है मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, जी नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो लेंथेनॉइड है भले ही वो ट्राइवेलेंट क्यों ना हो, भले ही वो सॉलिड में हो चाहे मोल्टन स्टेट में हो, उनमें क्या है आपके कलर्ड आयन फॉर्म्ड होते हैं। तो अभी तक तो हमारे अकॉर्डिंग रॉन्ग सेंटेंस यही है, लेकिन पढ़ेंगे सभी को। लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव, आपको मालूम ही है यार ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वाकई में ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो यहां भी सही है। सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर हमारा कौन सा निकला, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हमारा इनकरेक्ट है, ओके जी। जो भी कोई आपको डाउट हो, जिस क्वेश्चंस की आपको क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कितना और हलवा टाइप लड्डू टाइप क्वेश्चन दिया नीट के बच्चों के लिए, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। आप जानते हैं टेट्राहीड्रल में 2n और अगर ऑक्टाहीड्रल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, और हेक्सागोनल के लिए नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं, तो यहां पर उसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो 12 × 6, ये ऑप्शन जहां होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सीधे सीधे लड्डू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये नीट का लड्डू खाने के लिए
उन्होंने आपके सामने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, आओ बेटो मोज लो, है ना, खा लो। ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे जरूर और गलती भी करेंगे ही, ठीक है, हल्की फुल्की गलतियां भी इसमें क्या है बच्चे करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मतलब कंफ्यूजन में है, कैसे है ये भी तो समझाओ सर, बता तो दिया कंफ्यूजन में है। सुनिए एक्सप्लेनेशन, सुनिए ध्यान से। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, आप जानते हैं, ठीक है, बेंजेनोइल बेंजीन सल्फेनोइल क्लोराइड, इसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो साहब, है ना, यही तो हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब यहां पढ़ा था कि ये आपके क्या है 2 डिग्री अमाइन से भी रिएक्ट करते हैं और ये हमारे 1 डिग्री अमाइन से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है सर, इसके अलावा ये 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं करते हैं, डोंट रिएक्ट, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। नाइट्रो कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करते, ये भी ऑप्शन खत्म, लेकिन कंफ्यूजन स्टार्ट। यहां पर 2 डिग्री अमाइन है, यहां पर 1 डिग्री अमाइन है, अब कैसे करें, पूरा पढ़ो ध्यान से। विच जो आप बने डिजोल्व होना चाहिए किसमें, एल्कली में, और एल्कली में ये जब डिजोल्व होगा, जब इसके पास जो है हिंसबर्ग एजेंट के साथ जो है ना बेंजेनोइल बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी एक हाइड्रोजन बच जाए, और वो बचेगा किससे, आपका थर्ड ऑप्शन से, ध्यान कीजिएगा। चलिए रिएक्शंस भी समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहली रिएक्शन जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है, ये रहा आपका कंपाउंड, ये रहा आपका 1 डिग्री वाला अमाइन, जब रिएक्ट करेगा तो HCl आउट और आपका बन जाएगा इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि सॉल्युबल होगा इस हाइड्रोजन की वजह से किसमें, एल्कली में। नेक्स्ट, जो एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा, ये रहा वो कंपाउंड, ये रही रिएक्शन, रिएक्शन होगी, देखो ध्यान से, रिएक्शन होगी लेकिन इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है इसलिए सॉल्युबल नहीं होगा। देखो ध्यान से, समझ गए होंगे जो मैंने शुरुआत में एक क्या है आपको कंफ्यूजन बताई थी बात, वो आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या है ये क्या नहीं है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चंस जिसमें आपको एक और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, 100% करेगा बच्चों, कैसे, देखिए ध्यान से, का विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर, पहली वाली क्या है डिकम्पोजिशन है, नहीं होगी सर, 4 वाली भी डिकम्पोजिशन है, नहीं होगी, लेकिन सर ये तो दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ध्यान से पढ़ो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 3 ऑप्शन होना चाहिए, जबकि अगर किसी ने जल्दीबाजी में देखा यहाँ और उसने डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, लेकिन इसको टिक करने पर आपका आंसर हो जाएगा गलत और पनिशमेंट -1 मार्क्स का, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। भाई आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए भी और इतने एक हार्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। यहां देखिए, गिवन आर द 2 स्टेटमेंट, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ना है और डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन रॉन्ग है। देखते हैं, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ना जी ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है, इसलिए ये बात आपकी क्या है अपोजिट लिखी हुई है, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि उसने यहां पर लिख दिया दूसरे ऑप्शन में, आप ध्यान से पढ़ोगे ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, इन ये होनी चाहिए थी, और ये कैसी होती है, ये आपकी नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मॉर्फिन एंड हेरोइन, ठीक है, हेरोइन नहीं हेरोइन, ठीक। तो ये जो है ये आपकी क्या है, जस्ट एक्सचेंज है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके रॉन्ग है, और दोनों ही स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो ये वाली बात आपकी यहां पर फिट बैठती है 100%। मेरे साथ साथ लगाते चलिए, ठीक है, आपको भी आइडिया लगेगा कि हमने कितना सही किया है। अगर आप इस साल नीट एस्पिरेंट हैं, इस साल नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना
कि सिर्फ हमारा भला हो सबकी भलाई भी हो, ऐसा भी जरूर सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं मैदान में। देखो, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्मड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। आईयूपीएसी पूछने का तरीका देखिए, है ना, इसे कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन भी करा ली, आईयूपीएसी भी पूछ लिया। एसीटोन है CH3CO CH3, बच्चे ने समझ लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब आपको पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, है ना, किससे रिएक्ट करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ये रिएक्ट करेगा, क्लियर। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, देखो यहां पर ये OH में बदल जाएगा और यहां लग जाएगा C2H5, और इसको जरूर देख लेना C2H5। अब देखिएगा, अब बना आपका 1 2 3 4, 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, 2-methyl ब्यूटेन 2-ol। बच्चे इसको क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, 1 2 3 डायरेक्ट कर देंगे और यहां पर फिर ये वाला ऑप्शन भी इसमें पेल देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर। देखिए पूरा मैकेनिज्म भी मैंने हालांकि रिएक्शन ऊपर भी लिख दी थी, ये भी आपको लिख के दिखाया हुआ है कि किस तरह से होगी। नंबरिंग हमारी लॉन्ग चेन पे जाएगी, लोवेस्ट पोजीशन के साथ चलेगी, और लोवेस्ट पोजीशन के साथ साथ हम लोवेस्ट OH पोजीशन भी देखते हैं कि किधर से हमारी कार्बन चेन में ये लोवेस्ट पर है। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहा गया है फिर से स्टेटमेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस HF HCl HBr HI। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है, जैसे जैसे आपका हैलोजन एटम का साइज बढ़ेगा तो उसकी H प्लस आयन रिलीज करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सही है। एज द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, अगर अजर्सन रीजन में होता तो आप समझ गए वो भी बात ऊपर के लिए होती, लेकिन यहां पर ऑप्शन फर्स्ट सही है, क्या कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये ऑप्शन इसका जाता है बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12 नंबर पर। अरे यार देखो फिर एक और लड्डू मिला तुम्हें नीट में, ठीक है, PYQs में, और इस बार भी ऐसे ऐसे मिल जाने चाहिए यार, बच्चे बड़े खुश होंगे। सीधे सीधे रिलेशन पूछा है और सारी दुनिया ही जानती है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, CP-CV = R। चलिए ऑप्शन तो ये हुआ, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप इसका जो है क्या कर लीजिए, थोड़ा डेरिवेशन भी देख लीजिए, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो QV होता है वो होता है CV∆T, यानी कि इसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका सीधा मीनिंग है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एंथैल्पी यानी एंथैल्पी में चेंज करता है, ठीक है, ये हो गए बराबर। और हम तो जानते ही हैं किससे, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस से ΔH ΔU और ΔPV। यहां पर आपने लगा दिया फॉर्मूला और यहां पर कर दी क्या वैल्यू पुट, देखिए उधर से ध्यान से डेल्टा किसकी, ठीक है, किसके ΔH की भी यहां पर रख दीजिए, ये रखी ये चेंज किया, कॉमन लिया ΔT कट कर दिया, और जैसे ही आपने इसको कट किया तो यहां पर हमारा ड्राइव्ड रिलेशन हो जाता है सीधे सीधे CP-CV = R। ये डेरिवेशन देखिए, ठीक है सर, वहां डेरिवेशन थोड़ा आएंगे, लेकिन भैया वहां कुछ भी इनसे रिलेट करके पूछ लिया जाएगा, मैं भी नहीं कह रहा वहां पर डेरिवेशन आएंगे, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर उसने कहा है कि ये लिस्ट है और ये लिस्ट के साथ साथ आपको इधर स्ट्रक्चर वगैरह जो दी गई है ये है, इनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वही पहले वाले की तरह कहना चाहते हो सर वहां MCQ आएंगे, तो MCQ में ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, ये तो डायरेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी सुनना है तो आ जाइए, इंटरेस्ट इधर आ जाओ जल्दी, ठीक है, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ। पहले नंबर पर देखिए, पहले नंबर पर आपका क्या है, PCl5 है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनी हुई है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, समझ में आ गया पूरी स्ट्रक्चर के साथ।
ये आपका क्या है sp3 d2 है जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। भाई सिक्स वालों में तो कुछ झंझट ही नहीं, वो तो सीधे ऑक्टाहेड्रल में ही आते हैं आपके। ठीक, Br5 आपका हो गया sp3d2 hybridized, लेकिन स्क्वायर पायरामिडल इन शेप, समझ में आ गया। कभी इसे भी ऑक्टाहेड्रल कर दो, इसको कॉन्ट कर दो, लोन पेयर कॉन्ट कॉन्ट नहीं होगा। ये तो आपके क्या है, आपके ट्राइगोनल प्लेनर है, तो स्ट्रक्चर अगर हमें याद होंगी तो हम वहां ऑप्शन बड़े आराम से, मस्ती से, फ्री माइंड से, बड़े आराम से लगाते जाएंगे। अदरवाइज तो आपको पता ही है फिर बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, क्लियर जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। इस ये भी बड़ा भारी क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या है, एक तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करिए, इनको इनके मॉलिकुलर मास के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए और फिर उसको रिवर्स कर दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, अब अगर वो नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन में क्या करेंगे सब, ये तो बहुत बड़ा है, मैंने बता दूं आपको शॉर्ट में। ये क्या है, ये आपके सबके मैंने निकाल दिया कंसंट्रेशन। क्या निकाल दिए, कंसंट्रेशन सी, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT या N अपॉन VRT, और N अपॉन V मतलब C होता है। ठीक है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो C के प्लेस पर लिखा हुआ है N अपॉन V, ये वैल्यू रख दीजिए। R और T की T रहने दीजिए, आप जैसे इनको चेक करेंगे ये तीनों वैल्यू आपको आ जाएंगी। सर हमें ये PDF भी चाहिए, मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, बड़े आराम से मिल जाएगी, वहीं पे डाल दूंगा। सर यहां से जब आप निकाल लेंगे तो ये बड़ा क्लियरली दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या ये कि P2 P1 P3 जो कि आपका ऑप्शन वन में था इसके क्वेश्चंस के, ये न्यूमेरिकल था, इसको आप ध्यान से लगाएंगे तो ही सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पर भी बच्चे इसको कर देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी कहते हैं कि वहां बहुत टाइम, भाई टाइम तो लगता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सिर्फ बायो से, और लगभग 50% केमिस्ट्री से जो कि डायरेक्ट याद आएंगे, बाकी तो मैं समझ रहा हूँ मैक्सिमम हमें लगाने ही पड़ते हैं न्यूमेरिकल, तो इसलिए जितना टाइम सेव रहे वो रहे। और हाँ, सबसे लास्ट में कब सॉल्व करना, सबसे लास्ट में। ठीक है, जहां हैवी हैवी न्यूमेरिकल हो एंडिंग में टाइम देना, क्योंकि बचे तो ठीक, अदरवाइज तो लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड ऑब्टेन्ड हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी हाँ, तो उसको आप किससे रिफाइन करेंगे, ये पूछा गया है, तो उसको आप करेंगे किससे, डिस्टिलेशन से। डायरेक्ट यार लर्न करने वाला ही है, कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इतनी याद, देखो मैं कह रहा था ना केमिस्ट्री में भी आपके डायरेक्ट आते हैं याद करने वाले, ये भी सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि टाइटेनियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, तो कौन सा पार्टिकल्स इसमें करता है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा लॉजिक थोड़े लगाओगे, यही करता है, याद ही करना है, इसमें क्यों करता है, कैसे करता है, इतने इसमें डायरेक्टली अंदर घुसना नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर आपको पता है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस, तीन होती है सब जानते हैं, कौन कौन सी होती है, क्यूबिक होती है ना, टेट्रागोनल होती है, और कौन आ जाएगी, ऑर्थोरोम्बिक आ जाएगी, तो कितनी होती है, तीन होती है, तीन होती है, डायरेक्ट लगा दो। देखो डायरेक्ट वाले आंसर भी मिलते हैं केमिस्ट्री में और बायो में भी। ठीक है, बहुत ज्यादा थिंकिंग है उसमें नहीं लगाना, लर्निंग यहाँ वाला खेल है। ठीक है, क्यों क्यों सुन लो ध्यान से, क्योंकि डर के आगे नीट है, और नीट में एक सीट है जो तुम्हें लेनी है, समझ गए, बहुत बढ़िया से बोलो यस सर। ठीक है, जिसने डायलॉग सुना हो कमेंट जरूर करें। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका, टू ब्रोमो पेंटेन का, ठीक, पेंट टू ईन, तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेजक रूल, सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट है। ये कहानी किसकी है, शिटजेफ रूल की है, सेजक रूल की है, बहुत आराम से, क्योंकि ये सब भी बहुत पढ़े हुए हैं, वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्या बताया था इन्होंने, सेजक ने हमको, याद है ना, ये देखो
क्लियर। रिएक्शन भी आपकी लिखी है, दो प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मेजर कौन सा होगा जी, मेजर ये 80% वाला होता है, समझ गए। ठीक, तो सेजफ ने हमें ये बताया था कि अगर आपका यहां से बी आर हटेगा और ये एच भी लेगा तो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है हाइड्रोजन रिमूव करने के, तो हटाएगा तो दोनों जगह से, हटाएगा तो दोनों जगह से, लेकिन वो प्रोडक्ट मेजर होगा जो क्या होगा, मोर एल्काइलेटेड होगा। जब यहां से लेगा तो सिर्फ वन एल्काइल ग्रुप लगेगा, लेकिन जब यहां से लेगा तो कितने एल्काइल ग्रुप लगेंगे, वो कहां गया ये रख, हाँ ये दो एल्काइल ग्रुप लगेंगे और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगेगा। क्लियर, बहुत इजीली, एकदम ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज मैंने इसीलिए इस क्लास में 20 क्वेश्चन लिए हैं। देखो ये पूछा गया था, देखो डायरेक्ट बेस्ड, वैसे तो इसमें टेम्परेचर पूछे गए थे। टेम्परेचर अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बात करो, एनसीईआरटी में एक्यूरेट टेम्परेचर ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया आपके फर्नेंस के लिए, ब्लास्ट फर्नेंस के लिए। लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो इसके प्लेस पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना गया, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट था। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर जो है सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक का डाटा यूज करें बच्चों। अगर ये डाटा आपने यूज नहीं किया तो ध्यान से सुन लेना, मैं लिख करके देता हूं, अगर ये डाटा यूज नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर जितनी बुक्स आप पढ़ेंगे सब में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का हमारी, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है क्या, लेमडा एम है ना, क्लियर। पूरा कंसंट्रेशन दिया गया है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। आंसर मैं आपको बता दूं लगभग इसका कौन सा आएगा, चलो सोल्यूशन ही कर लेते हैं पूरा इसका, ठीक है। ये रहा जी लास्ट था ये, चलिए आ जाओ भाई आप इधर आ जाओ, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है हमारे बच्चों को। देखो अकॉर्डिंग टू द कोलरास लॉ आपने इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लगाया, लिख दिया, और देखो कितना आसान है, सीधे सबकी वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू दी है आपको, माइनस प्लस करके आंसर लिख दीजिए। ये रहा 390.7, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर है, कुछ ज्यादा लोचा नहीं है। और ये आंसर किसमें है, सेकंड ऑप्शन में, किसमें है, सेकंड ऑप्शन में है, जो कि आप बहुत इजीली बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।